हमारे पति को भी मारा जी। तीन जो हमारे बड़े जेठ है वे वहाँ से लापता है। और जो हमारे पिताजी थे उन्होंने वहीं से अपना दम तोड़ दिया था जी। वहाँ से हम सारा परिवार दो दिन पहले निकल लिया जी। हम तो डर के मारे वहाँ से निकल के भाग गए जी। मैं भी वहीं पे खड़ा हुआ था, मेरी भी जान बहुत मुश्किल से बच पाई। हमारे दादी अम्मा को तो कोई खबर ही नहीं, कहाँ है, किधर है, किधर नहीं, जिंदी है या मरी है। ये सब प्रशासन की ढीलपन से ऐसा सब कुछ हुआ है। एक जो हमारा लड़का था वो उन्होंने वहीं से रोक लिया, उसकी मार पिटाई करी ज्यादा जी। बिल्कुल गांव में जाएंगे नहीं। जान प्यारी इज्जत प्यारी जी सबसे ज्यादा। तो क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ? हमारे आदमी वहाँ से बिछड़े हुए हैं जी, हमें पता नहीं है किधर, न हमारे बच्चों का पता जी दो कहाँ, न हमारी माँ जी का पता कहाँ है कहाँ नहीं। आप कैसे आई हैं? हम जी, हम तो दोनों बहन थे जी, दोनों बहन निकल कर चली आई जब गांव में कोई नहीं रहा, फिर उन्हें देख हम दोनों बहन रास्ते में मिल के हम दोनों बहन इंको इंक चली आए जी वहाँ से। नहीं जी, दो बच्चे हैं, दो का लापता है जी, पता ना कहाँ है कहाँ नहीं। हमारी दादी अम्मा को तो कोई खबर ही नहीं, कहाँ है किधर नहीं, जिंदी है या मरी है। और जैसा है जी, हम गांव में जाना नहीं चाहती जी, हमें कटोर लेके भीख मांगनी हो जी सड़क पे। गांव में नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी, चाहे कोई खदेड़ भी जाइए, अंदर से वाले भी बाहर भी, पर अगर हम जाने के नहीं। क्या होगा जी, कुछ भी हो हमारी तरफ से, जब हम जाना चाहते ही नहीं जी, हमारी तरफ से कुछ भी हो मैं तो यहाँ दिलवा दो जी, जो कुछ मिलता हो, जो कुछ होता हो। जमीन है जी, तीन जगह प्लॉट है जी, बकरी बच्चे है, सब कुछ है जी हमारा। जान प्यारी इज्जत प्यारी जी सबसे ज्यादा। तो हमारे गांव में जाट थे जी, जाटों ने हमें रोक रखा था कि अभी तुम यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं होगा, तुम यहीं पे रहो। हम यहीं पे थे जी, हमारे आदमी थे तीन, हम तो निकल आए थे पहले जंगलों जंगलों, बंदूक उनका मारी, गोली उनके मारी, तलवार से उन्हें काटे, जलाए उन्हें। हमारे ससुर की तो नाट काट कर उसमें फेंक दी थी, आग लगा दी उनमें। हमारी जिठानी थी जी, उसके तबल मार रखा था, सिर में आग लगा रखी थी, बहुत बहुत बुरा सलूक हुआ जी हमारे वहाँ पे। हमारे पति को भी मारा जी, उनके भी गोली से जला रखा था, उन्हें भी पहले गोली से मारा, सरियों से पीटा, फिर आग लगाई उनमें घेर कर। उन्होंने कुछ नहीं मदद की, पुलिस ने भी कुछ नहीं मदद की। पुलिस के पास गए थे आप? जी, फोन फान करे थे, कोई नहीं आई वहाँ पुलिस वुलिस। यहाँ पे आप कैसे आए, कब आए? यहाँ पे हम 12 तारीख में आए थे जी। और आपके बेटी जो हुई है? ये बेटी भी गांव में हुई थी, दो दिन की थी जी बस। यहाँ ऐसी ऐसी यही कपड़े पहन रहे थे, ऐसी हालत में भाग गए। जब बच्चों को भी कपड़े इन्होंने इनसे ही मदरसे में थे पिनाए, इन पे भी कपड़े कोई ऐसे ढंग के नहीं थे जैसे पहरे थे, ऐसे ही भाग ले, कोई कच्छे में भाग ले, ऐसे ही ले ले अपने बच्चों को, बलियान में लेकर भाग ले अपने बच्चों को, मतलब सब चुरा रखा, आग लगा रखी घर में, कोई नहीं छोड़, लूट मार कर रखी बहुत ज़्यादा घर में, कुछ नहीं छोड़ रखा। हमारे भैंस थी दो, हमारी भाभी का इसके, हमारी जिठानी का जो थी उनके भी दो भैंस थी, सब लूट मार कर ली उन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा हमारे घर पे। घर में सब जेवर था। हमारी लड़की की एक ही शादी थी, जो हमारी जिठानी है उनकी लड़की जवान हो रही थी, उनका दहेज था, सब जेवर बनवा रखा था, सब लूट मार कर ली, कुछ नहीं छोड़ा, और आग लगा दी जो बाकी के, मतलब थोड़े घने कपड़े लगते हुए जो रखे होंगे उन्होंने, उसमें आग लगा दी सब सामान, सब सामान। वहाँ तो कुछ भी नहीं डंग रहा है, वहाँ पे जाकर हमारे आदमियों को मार डाल, हमें क्या छोड़ देंगे। गाँव के भी हैं, बाहर का कौन आने का मारेगा, गाँव वाले ही होंगे।
किसी ने नहीं करी जी मदद। मिलने चुनने वाले तो होंगे ना जो जान। हाँ होंगे, मिलने चुनने वाले बहुत है, पर ऐसे टाइम पर किसी ने मदद नहीं करी। आपको अपने आप को बचाओ। जो हमारे गांव में बहुत लोग अब मारे गए हैं, हमारी बिरादरी के बहुत ज़्यादा लोग हमारे पे भी हमला किया है। हमारे भी जिस तरह से हमला किया, हम भी अपने बच्चों को लेकर एक में कूद गए। एक में कूद कर हम यहाँ रात के 2 बजे हमला किया हमारे पास। हम सुबह से वहाँ से बकरे के रास्ते में हम जा चुके हैं वहाँ पर। फिर हमें पुलिस ने हमें छोड़ दिए। जैसे हम निकल गए तो आग साथ ही हमारे घर में आग दे दी। कोई रह गया आपका? आपके जी हमारे 2 जेठ है, 2 जेठ के बच्चे परिवार सब है। 20 लोग की लाश अभी मिल चुकी है कुटबे गांव के, और बाकी लोग 200 लोग लापता है। कोई पता नहीं कहाँ पे गए, कहाँ पे नहीं गए, क्यों नहर रह गई, मार मार के नहर में गिर दिए। 3 लाख रुपये घर में रखे थे हमारे जूतों की सैर के लिए। 8 तारीख में हमें बाहर जाना था इन्हें, तो वैसे 7 तारीख में रात को हमला हुआ हमारे साथ में। सब वहीं रखे रहा हमारा, ना कोई चीज़ ना कोई सब कुछ नहीं लेकर आए हम, सब वहीं रखा हमारा। जो बच्चे थे छोटे छोटे, उनके कमरों में उठोना बंद करके उस गई आग लगा दी कमरों में। ये बच्चे जो खो जाए उन्होंने निकाले उन बच्चों को, उनके हाथ इतने घायल हो रहे थे, किसी के हाथ किसी के पैर किसी का सिर, ये अस्पतालों में उन्होंने भर्ती कर दिए थे। जब हम पंचायत से वापसी आ रहे थे जो जी 5 बजे करीब, तो एक पुरजान गांव पड़ता है रास्ते में, तो 15-20 आदमी बैठी डंडे हथियार लिए खड़े थे रास्ते में। हमारी ट्रॉली पता उन्होंने आदमी खींचने शुरू कर दिए, मारपीट शुरू कर दी। 3 आदमी ट्रॉली से नीचे खींच लिए, 2 को तो हमने जबरदस्ती छुड़ा लिया। एक जो हमारा लड़का था वो उन्होंने वहीं से रोक लिया, उसकी मार पिटाई करी ज्यादा जी। अच्छा जी, उसके जेब में मोबाइल नंबर था जी, तो अस्पताल से मेरे को फोन आया, फोन दोबारा कि तुम्हारा लड़का यहाँ से मुझे पनगर है, तो हमने संपर्क करा तो मुझे कोई जाने का रास्ता नहीं था। पुलिस को हमने कहा, पुलिस हमें वहाँ पहुँचा नहीं पाई जी। 2 घंटे बाद फिर फोन आ जी उसी फोन से, कहना तुम मेरे पहुँच जाओ, और मेरे हमने वो रेफर कर दिया। तो हमने भी पुलिस को कहा कि किस तरह रास्ते में माहौल खराब थे जी, कोई आने जाने की दिक्कत थी, तो पुलिस ने हमने कह दिया भाई अपने तरीके से चले जाओ, हम भी 2 दिन बाद पहुँच जाए जी मेरठ, और 11 तारीख में उनकी डेथ होगी जी। 50-60 आदमी घायल है, हम उनकी अस्पताल में भर्ती कराए जी। जो हम थाने में पहुंचे, हमने ये लोग पहचान लिए, तो रिपोर्ट लिखवाने गए तो पुलिस ने हमने कह दिया कि हमारा नाम जब रिपोर्ट हम नहीं चलाने के, अज्ञात में रिपोर्ट करो। तो हमने कहा जी हमने नाम जब रिपोर्ट कराएंगे, पुलिस वालों ने कहा जी हमारे पर दबाव है, हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, हम वापसी भेज दिया गया। तो फिर 2-3 दिन बाद सूचना अखबार में आई, उनके बाद ही 14 तारीख में हमारी रिपोर्ट दर्ज करेगी उन्होंने जी। और गांव में कोई झगड़ा नहीं है ना कोई तनाव है, 5-7 परिवार में फिर फिलहाल मौके पर है, गांव में शांतिपूर्ण है जी। फेलियर रहा है हमारा पूर्ण रूप से प्रशासन और सरकार, क्योंकि अधिकारी अपनी बात ऊपर तक नहीं बता पाए, यही इसका हुए है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरा डिसीजन इस पर नहीं लिया। और हम उसको बताते रहे कि उसमें जो गलत नाम दर्ज हुई है
कत्ल केस में वो गलत है, और जिन लोगों ने कत्ल करा है उनको जेल भेजा जाए। और ये प्रोसेस में सरकारें और अधिकारी जिम्मेदार हैं, इसमें और कोई जिम्मेदार नहीं। ना किसी ने वहां पर भाषण गलत दिया कि वो भाषण से हिंसा भड़की हो। जब भी सरकारें किसी एक पक्ष को बढ़ावा देगी तो ये हालात सब जगह पैदा होंगे। किसी भी सरकार को जब वो सरकार में शामिल हो जाती है तो किसी एक जाति का, एक मजहब का या किसी भी एक वर्ग का, उसका उसको पक्ष नहीं करना चाहिए, उसके लिए सब बराबर है। भड़काऊ भाषण एक दिन में नहीं होता कि किसी ने भड़का दिए, भाषण दे दिए, वो दे दिए, उसका हो गया हो, उससे नहीं होता। वो सीढ़ी दिखा दो कि हमने क्या कहा है भाई, किसी पे FIR करनी एक अलग चीज है, उसकी जांच करके उस पे केस लगाना और सजा देना अलग चीज है। हमने जो कहा है, जो सजा संविधान में हमारे पे बनती हो, हम उसको भुगतने के लिए तैयार हैं। The people behind the violence was the BJP and the RSS Vishwa Hindu Parishad, along with some kind of strange kind of support from the BKU, the Kisan Union. But and on the other side was the Samajwadi state government, which had just not done what any government should do in the areas of preventing the violence, in controlling the violence, in rehabilitating the displaced persons, and in ensuring that there was justice. There's nothing, there has been no visible, even we went about a week after the violence had broken out, there was no evidence anywhere in the camps that there is a state and there is a state machinery that cares. हमारे गांव में कुछ लड़कों ने पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि गांव में कोई फिजा बिगड़ती, ना ही ऐसा कोई लग रहा था। गांव में लड़कों ने आपस में कोई मीटिंग करी, हमारा पहला ऐसा गांव है जिसमें कुछ लड़कों ने, एक कौम है बिरागी, जाट और बिरागी, सब मिल के हमारे गांव के बाहर 8-10 घर हैं, सबको रात को घेर लिया। ईख में तीनों, मतलब पीछे हमारे जंगल है, जंगल में तीनों साइड से हमको घेर लिया। रात को उन्होंने बोला ये सब लोग निकट के भागेंगे, इनको काटेंगे, लेकिन वो रात को हमला नहीं करे। जैसे ही उन्होंने हमला करने की कोशिश करी, हमने दरोगा को फ़ोन किया, दरोगा ने बोला ये तुम अफवाह फैला रहे हो, वहाँ कुछ नहीं है, बकवास मत करो, आराम से लेट जाओ। ऊपर से फिर जब SO को फ़ोन किया तो SO ने बोला थाने में कांस्टेबल नहीं है, और यहाँ जब आएगा तो देखेंगे, सब गांव में लगे हैं, मामला इतना ख़राब है और जगह कोई कहीं जा रहा है, तुम साले तब सब अफवाह फैलाते हो, यहाँ होता कुछ है नहीं और तुम अफवाह फैलाते रहते हो। ये प्रशासन की, गांव वालों की, सबकी मिली भगत है, सब मिल चाल है, ये सब ऐसा हो रहा। अगले दिन भी वहाँ से कुछ आदमी तो प्लान कर गए, फिर हम गाँव वो बस्ती छोड़ के आगे गांव में, बस्ती में चले गए। उसके बाद गांव में उन्हें मस्जिद में बैठ के सब लोगों ने ये बोला गांव में अमन चैन से रहो, कुछ नहीं होगा। वहां रात को ठीक 11 बजे फायरिंग शुरू हो गई, गांव थाने में फ़ोन किया, SO को बुलाया गया, तो SO ने जैसे ऊपर से जवाब मांगा गया गांव में कुछ हो रहा है, तो 1-1.5 घंटा फायरिंग चली है, लेकिन SO ने फिर भी ये दे दिया यहाँ कुछ नहीं हुआ, सब अफवाह है। सब कुछ होने के बाद, 1.5 घंटा फायरिंग होने के बाद भी अफवाह करार दे दिया गया, प्रशासन बिल्कुल भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। गांव में एक लड़का हमारा गया हुआ था, वहां पे उसने बोला जैसे किसी ने, कोई हमदर्द भी होता है, उसने किसी ने बताया कि ये लोग यहाँ इतनी गर्माहट में ये बोल रहे हैं कि हम बदला ज़रूर लेंगे, अब नहीं तो फिर बदला ज़रूर लेंगे। वो लड़का फिर वापस अपने बच्चे लेके आ गया, कोई भी चला जाए लेकिन मैं गाँव में जाऊँगा नहीं, गया था वो लेकिन वापस आ गया, वापस आ गया। जैसा पंचायत वापस लौट रहे थे, पुरबालियान में आकर पूरा पथराव हुआ, जिसमें एक लड़का नीचे गिर गया, पथराव लगती, और जो हमारे पिताजी थे उन्होंने वहीं से अपना दम तोड़ दिया था जी। पथराव हुआ था जी, पत्थर ईंट लगी या पत्थर लगा, उनके सर में आकर जी उनके नाक टूट गई थी, और एक सिर में घाव था जी उनके, पता नहीं सर में ईंट लग रही और गोले लग रही, वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता लगेगा जी। पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं करी, ना पुलिस हमारे तक अब तक आई जी। अब तो जी खैर कुछ शांति सी है जी, 2-3 दिन तक जी, आज इससे पहले पूरा तनाव था जी। सलमान कुछ जा लिया जी, कुछ यहीं पे हैं आज हमारे गांव में, मुसलमान न हो किसी ने कुछ नहीं कहा जी, ना उनका किसी ने घर में नुकसान करा,
लड़कियां को दहशत है जी, लड़कियां स्कूल नहीं जा रही, मान लिया साबू सारा मुसलमान रुके हैं जी, कुछ इस वजह से दहशत है जी, मान लिया कभी लड़की कुछ कह दे जी, इस वजह से लड़की स्कूल नहीं जा रही। शिपाल यादव कहा था जी जिसकी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करी जाएगी। It went from the cities into the town, into the villages, which is huge. Because usually the villages are the ones that keep secularism alive because everybody knows each other. Secondly, the neighbor attacked the neighbor. So the mobs didn't come from outside. It was the villagers who were incited and provoked to attack. So that has a very traumatic impact. And third, the idea of the people who were organizing the violence this time was not to kill in large numbers, but to displace, what we call ethnic cleansing. What about the fact that thousands of Muslims are gathering and just living in slum conditions without sanitation, without anything? What about them? Where are you now? You're not there again. And Akhilesh Yadav goes when he hears that the Prime Minister is coming. Otherwise, he might not have gone till now. जिस टाइम पे हम घर से निकल के रुके चले, वो प्रधान के चबूतरे के सामने को हमारा रास्ता होता है, वहाँ से जैसे ही निकले तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन बैठा हुआ था और प्रधान भी वहीं पे मौजूद था। ना तो प्रधान ने कुछ कहा, ना पुलिस प्रशासन ने कुछ कहा, लेकिन जो लड़के वहाँ पे खड़े हुए थे उन्होंने आतंकवादी हमें बतलाया, पाकिस्तानी हमें बतलाया। जो गालियाँ आज तक हमने नहीं सुनी थी वो गालियाँ हमें सुनने को मिली। कब्रिस्तान के सामने गाड़ी खड़ी हुई थी, वहाँ पे गाड़ी में बैठने के बाद हम जिस टाइम पे चले उसके बाद भी हमारा पीछा किया गया, तीन गाड़ियाँ थी हमारे पीछे। उसके अगले दिन हमें पता चलता है कि हमारे घरों को जला दिया गया है। पुलिस प्रशासन के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जिसे जिसे फ़ोन मिलाया वही स्विच ऑफ जा रहा है। लोगों ने औरतों की बेइज्जती कर करके उनको मारा है। अभी भी लिसाड़ गांव की दो लड़कियां लापता है, तीन तीन टुकड़े करे। अगर कहीं प्रशासन है तो ढूंढ करके लाइए ना उनको। पूरे इंडिया से, पूरे भारत से मेरे को सिर्फ एक सवाल करना है, क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ? वे लोग कहाँ पैदा हुए जिन्हें मारा गया इतनी बेरहमी से? जिन्होंने ऐसा करा वे कहाँ पैदा हुए? क्या पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे पैदा नहीं हुए? क्या मैं ही एक आतंकवादी हूँ? क्या ये रिसाड़ गांव के या जो मुस्लिम भाइयों पे आफत आ रही है क्या वही आतंकवादी हैं? क्या उन्हीं को आतंकवादी कहा जाता है? मुख्यमंत्री है यहाँ के यूपी के, लेकिन उन्होंने जो ये कहा है कि हम तुम्हारे रिसाड़ गांव के मकान ठीक करा देंगे और तुम वही जाओगे, मैं ये बात कतन नहीं मानूंगा। मुझे आज तो वो हमारी गलियों में घुस करके मार रहे थे, कल को हमारे घर में घुस करके मारेंगे। क्या हमें सिक्योरिटी दी जा रही है जब पुलिस प्रशासन उनके साथ है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा है, ठीक है, फिर भी देशद्रोही की बात हो रही है, फिर आतंकवादी बताए जा रहे हैं। अगर ये आप मान रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, अगर भाई भाई हैं तो फिर ये भाई के गले पे छुरी क्यों चलाई गई?